हमें तरुण तो करूंगा सामने शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने शिवालय था, शंकर का एक ढोकला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी और इस जवानी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें उन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में जब बजरा और बीड़ा फेंका चले गया, 8 महीने पूरे हुए और उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद यम की खेद में पड़े। जब यम की खेद में पड़ा तो यमराज ने चतुर्भुज महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाए, कि महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जीवा फैलता रहा, मदरा पान करता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका गया। यमराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद के पुण्य नहीं करा, इसमें जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा तो नहीं। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी खाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। कितने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नंगी में फेंका, गटर में फेंका, खड्डे में फेंका, रोड पर फेंका, और नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था, इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है उतने समय के लिए कदम गिने जाए और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजमार्ग दे दिया जाए, इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। तो जुआनी को इंद्र का सिंहासन दिया गया, जुआनी वेट को गया, पर जुआनी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है, इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआनी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठ कर ताली बजाकर अक्षरा को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना इंद्र के राज्य में राजकोष में जितना वैभव था सारे के सारा लगाकर दान कर दिया। जैसे दान करा 14 घड़ी के बाद में वो जुआनी नीचे उतर गया, इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे उन्होंने अक्षरा को बुलाया तो अक्षरा नहीं आती, रावत को बुलाया तो रावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास श्री हरि के पास पहुंचकर कहा बड़ा गजब करा, इस जुआनी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा रे इंद्र तो इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में वो 14 घड़ी बैठ कर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया, सही सत्ताधारी सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी को बचाने का प्रयास करे। हमने कल कथा में बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता। बहुत तेरे ही हर से
स्वयं धर्मराज कह रहे कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। आप लोग जाते हो शिव मंदिर, बोले जरा आप सब शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुमारी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवदी के महादेव के दरवाजे पर जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं जाता? मेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं तो क्यों ना हमारे समाज हमें क्यों ना समा लेगा? बोल बम का नारा है आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं तो मेरा आबा देवदी जो महादेव समाहू था वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ तेरे दरबार की शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में बात कही थी कि पार्वती जब पृथ्वी पर पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर या मनुष्य जानवर कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है, इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, लोग मुझे विश्वनाथ कहा, मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा।
कई माताएं कह देती गुरु जी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं, भगवान हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, तो कहता पिता चले गए, कोई कहता ये गया, कोई कहता हो गया, हम अनाथ। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में जमके बोले जरा, काशी में कोई बैठा है। मेरा गंगू भाई, मेरा त्रिकाल दर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दर्शी, जो शिवालय वहां एक लोटा जल रोज चढ़ाओ
भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी चलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर साधना देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं कर रहे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं कर रहे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं कर रहे हो, इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों में बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआनी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और पीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआनी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा, पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर रावण भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा, स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तो साधारण नहीं है, राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने रावण भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो तीन पृथ्वी को नापते समय तीन चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया और पृथ्वी नापी एक में दूजे में आपा। जब